जिया जले जा जले। मल्लिका शरावत नाच रही है यहाँ पे। मैंने अर्चना को बताया, मैं कहा आज हनी आने वाला है। हाँ, हनी, तो ये बाल्टी लेके आ गई, 10 लीटर मेरे को भी चाहिए। मेरा हर बात में खाना पीना पड़ा। अच्छा, जब आपने भूषण जी को बताया कि मैं हनी के साथ गाना कर रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं कि तुम्हारा हनी मैं हूँ, उसका नाम तो युवेश है। अच्छा गुरु, इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक गाना ही नहीं है, ये सच्ची में बता देते हैं कि कौन सी लड़की कहाँ से है। गुरु एक बात बताइए, ये जो लड़की बैठी हुई है ये कहाँ से है बताइए। इनको माइक दो, कुछ बोल के बताएं तो बताओ। माइक दे दीजिए। हेलो, हेलो, हाय, आप कहाँ से हो? नहीं आपने बताना है, अब वो हंस रही है, बताओ कहाँ से है। I'm from Mumbai only. लो, मैं बोलने वाला था। अच्छा, मैं मुंबई से, मैं वहाँ गली में ले जाता हूँ, कहाँ से आगे कहाँ। अच्छा, से अच्छा। मुझे लग रहा आप लगदी मलाड दिया। कहाँ से आप? बस सही, अश्विन बस सही, रोड सेम ही है। हाँ, रोड वही जाता है। ये हमारी बड़ी लड़की, बड़ी कुर्सी पे बैठी हुई, ये कहाँ की लगती है आपको? देहरादून। ये तो बेसिकली देहरादून से। आजकल कहाँ है ये बताओ? आजकल ये कपिल शर्मा के शो पे हैं और वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड तो है पर यूएसए हम अकेले जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपको नहीं बुलाया? देखो, मैं खुद के पैसे के टिकट लेकर जाती हूँ। मैं प्रोड्यूसर के खर्चे पर या स्पॉन्सर के खर्चे पर मुझे जाने की जरूरत तो ये शो में खुद पैसे लगा के बैठी हूँ आप। ये प्रोड्यूसर से नहीं आते? देखो, यहाँ से कमाती हूँ और खुद के खर्चे करके जाती हूँ। हम नहीं कहीं खर्च करते, हम हर जगह से कमाते। अभी ना गुरु ने थोड़े दिन पहले एक डेटिंग ऐप के लिए गाना बनाया था, स्वाइप राइट मटेरियल। तो गुरु, आपको उस गाने के लिए पेमेंट मिला कि उन्होंने 2-3 डेट्स पे भेजा आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके आओ, अगर आपका काम बने ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे पैसे वैसे। यार ये कहाँ से कौन? आप जो काम करते हैं वही कर्म आगे आ रहे हैं। आपने खुद किया है डेटिंग ऐप पे जाके राइट स्वाइप किया कभी? आई थिंक सिंगर बनने से पहले करा था। सीरियसली? हाँ, बट तब किसी और से स्वाइप राइट हुआ नहीं था। बट अभी सेम ऐप जब आके आपको गाना बनाने के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपको लेती है, तो आई थिंक एवरीबडी फील्स गुड। और मैंने भी उनके लिए गाना बनाया। जो पेमेंट का तरीका है वो मैंने कपिल भाई से सीख लिया था बहुत टाइम पहले। तो जैसे ये शो पे आते नहीं है जब तक इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो पेमेंट। ऐसी बात है, मेरे बारे में मार्केट में चल रही है। जब ये वाले इसकी डील हुई, ये वाले ब्रांड की, तो मैंने भाई का मैनेजर यूज करा। अच्छा, कि भाई आप ही डील करो। अच्छा, तो इनसे जब तक पेमेंट नहीं आएगी तो हम तब तक जाएंगे नहीं। सीरियसली चर्चा है, आपने करवाई डील ये वाली? मैं तेरी मैनेजर हूँ, मेरा कमीशन ला फिर। हाँ, कमीशन बेस फ्रीलांस। और इसे हनी पाजी ने एक प्रॉमिस हमसे किया है, बोलते जब आपका और गुरु का गाना आएगा उसको रिमिक्स मैं करूंगा। ऑफिशियल रिमिक्स। कपिल ये तो चाह रहा है दिव्या कि ये ना गाना करे आपके साथ, रिकॉर्ड तो हो, लेकिन उसके बाद जो वीडियो बने उसमें ये किसी लड़की के साथ। मतलब मैंने कब कहा नोरा फतेही हो? मैं मतलब भाई उसका नाम मत लो भी, मेरी तो पहली जो उसने किस करी हुई है वो नहीं खत्म हो रही आज तक आपके शो पे। मेरा काय का शो किस तो आपको कर गया, आपका शो है। सोशल मीडिया पर क्या होता है, फायदा भी बड़ा है नुकसान भी बहुत है, पर हम लोगों ने जब से ये शुरू किया ना तो लोग ना हमेशा फनी कमेंट्स ही करते हैं, तो ये बड़ी मजेदार बात है। ये कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूँ, दिखाइए प्लीज। ज्यादा झींगा खा लो तो पचाने के लिए ऐसे ही मेंढक बन के बैठना पड़ता है। झींगा क्या होता है? प्रॉन्स। अच्छा, प्रॉन्स को बोलते हैं? मैं तो खाता नहीं हूँ वैसे वो। है? मैं नहीं खाता। तो वैसे कमेंट करने वाले तो कुछ भी करते हैं। वो भी कौन सा बेचारे, ताश के पुलिस के सामने भागते हैं। मेरे को सच्ची में लग रहा है रेमो सर को देख के इनकी लुंगी में से ताश निकलेगी। और बताइए, मनोज तिवारी बताते हुए ये है असली ऑर्गेनिक हनी, तभी इनके मुंह पे मक्खी बैठी है। रिप्लाई, अबे वो मक्खी नहीं दाढ़ी है।
वाह ये ट्रेन भी डिजिटल है, देखो ऊपर ओटीपी भी लिखा हुआ है। ऊपर ओटीपी लिखा है। फोटो को देखकर मुझे मेरी सास याद आ गई, वो भी आजकल बहुत ज्यादा उड़ रही है। लोगों की घर की प्रॉब्लम भी होती है, लिख देते हैं। लगता है कंपनी ने इनको गारंटी दी थी 45 डिग्री पे भी कूलर ठंडी हवा देगा, इसलिए छत पे लाके चेक कर रहे हैं। एक कितनी की फोटो भाई, कहाँ की है ये? आई थिंक कोलकाता शो करने गए थे, तो वो बेचारा कोई सूली चढ़ रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी फीलिंग ले लेता हूँ कि कैसे होता है, तो फोटो करवा ली। बट गुरु वेडिंग सीजन तो तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी होता होगा ना? ऑलवेज। कितने सारे शोज़ आपके always, लिए जैसे होता ही नहीं, मुफ्त का खाना। गुरु घोड़ी लेके पार्किंग घूमते हुए। आपको पता गुरु स्कूल टाइम पे ना छत पे परफॉर्म करते थे अपने घर के, पड़ोसी इनके उस उम्र में ही फैन हो गए थे। तो सच्ची में आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे थे, आप कि कोई थी जिसको फॉलो कर रहे थे आप गांव में? मेरा तब क्या होता था पता है, गांव में छत पे ही सोते थे तब। जो गांव में जन्म हुआ उसको पता होगा ये, कि छत पे ही सोते और वही पंखा वही एसी है। और अब गाने का तो कीड़ा है, उसका छत से कोई लेना देना है नहीं। तो मैं गाता था रात को, और साथ मेरा भाई भी गाना शुरू कर देता था। अच्छा। और गांव होते छोटे, सारा एरिया सुनसान, दूसरे कोने तक आवाज जाती थी। और सुबह जब हम स्कूल के लिए निकलते थे तो जो भी मिलता था कहता था यार वो वाला गाना बड़ा मजेदार था रात। बाकी यार क्या याद दिला दी आपने, छतों पे सोना। और कई तो क्या छतें भी आपस में इतनी इतनी दीवारें हैं। यस, कई तो शरारती होते थे, सोते अपनी छत पे तो उठते किसी और की। आपने तो ये कॉन्सेप्ट सुना होगा छतों पे सोने वाला, है ना? नहीं, छत पे मुझे... कैसे सो सकते, वो तो पेंट हाउस होता है। नहीं पर नहीं, क्यों नहीं सो सकते, छत पे भी सो सकते हैं, पेंट हाउस की छत पे भी सो सकते हैं। वाओ, पर तुसी कदे मच्छरदानी ला के नहीं सोते होंगे उत्ते? नहीं, एक्चुअली हमारा घर 21st फ्लोर पे, तो इतने मच्छर वहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, मच्छरों का रहता है 1600 फीट से ऊपर नहीं आते। सोनल कम सिट है, कम कम कम, ये टी सीरीज की टी है। ओ माय गॉड, ये बहुत मेहनती लड़की है यार, टी सीरीज की टी। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ इसका, हमारा गाना यही करवाएगी। हाँ, करवाएगी। सोनल, व्हेन इज आवर सॉन्ग इज कमिंग आउट? आपकी डेट? मैं तो फ्री हूँ। ये तो यूएसए जा रहा है, कहाँ करेगा गाना? मैं जा रहा हूँ, पर ये नहीं जा रही, इनको अगर लेना है गाना।